hello students my name is kuljeet Kaur, i am lecturer biology in gomit girls senior secondary school kurali district ss nagar students we are doing chapter 11 that is transport in plants in today's lecture we will study why water is important for plants and how water is absorbed so let's start okay students let's continue transport in plants in the previous lectures we studied about different type of transports like we studied the passive transport like diffusion and facilitated diffusion which does not depend upon the energy and in this case the, the transport takes place along the concentration gradient it means from high concentration to the low concentration then we studied about active transport which is also known as uphill transport because in this the movement occurs from low concentration to the high concentration that is against the gradient and this process needs the energy then students we also discussed about imbibition water potential in today's lecture we will study about another very important topic that is absorption of water how the plants absorbs the water so let's start okay water absorption in the plant students in this diagram you can see that

प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता सो so, प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए वो कौन सा वाटर होता है उसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं सो so, जैसे ही हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं कैपिलरी वाटर कौन सा है ये जो सॉयल पार्टिकल्स हैं ये सॉयल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस अवेलेबल है सो so, ये आप वाटर यहाँ पर देख रहे हो सो द दॉट इज कैपिलरी वाटर कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है विच इज़ प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल राइट right? सो so, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर सो ये कैपिलरी वाटर जो है दैट इज़ अवेलेबल टू द प्लांट फॉर इट्स यूज जो ग्रेविटेशनल वाटर है ऐसे स्टूडेंट्स वाटर जो है वो कंबाइंड फॉर्म में भी होता है जो डिफरेंट मिनरल्स हैं उनके साथ कंबाइंड होता है वाटर लेकिन जो वाटर प्लांट्स यूज कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए दैट इज़ कैपिलरी वाटर और सेवेंटी ऑफ कैपिलरी वाटर जो होता है दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट्स फॉर देयर यूज ओके सो लेट इस स्टार्ट स्टूडेंट हाउ द प्लान्ट एब्जॉर्ब द वाटर सबसे पहले इसका जो मैकेनिज्म है कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है तो उसके लिए स्टूडेंट हम एक ब्रीफ़ हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली प्लांट्स को वाटर क्यों चाहिए ठीक so, है सो प्लांट्स जो हैं अपना प्लांट जो है अपनी सारे ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथिस जब हमने फोटो पढ़ा तो हमने देखा कि फोटो के जो रॉ मटीरियल हैं उसके लिए वाटर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसका कॉम्पोनेंट है प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और प्लांट्स को वाटर चाहिए ठीक है सो वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है उसमें हेल्प करता है इवन प्लांट का जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द वाटर उसमें जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं सो so सारी जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर होती हैं सो so, वो सारी चीज़ें जो हैं वाटर जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट इवन जो स्टोमेटाज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर राइट सो नाउ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वाटर जो है वो प्लांट में कैसे एब्जॉर्ब होता है क्योंकि स्टूडेंट्स वाटर हम कहाँ डालते हैं वाटर जो है वी जस्ट पुट द वाटर इन द सॉयल ठीक है हम कोई लीव्स के ऊपर वाटर नहीं डालते ठीक है वाटर जो है रूट्स हैं प्लांट के पास जो वो एब्जॉर्ब करती हैं मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इन टू द प्लांट्स दैट्स वाई वी पुट द वाटर इन द सॉयल एंड वी डोंट पुट द वाटर ऑन द लीव्स ओके okay, सो so किस तरह से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा ये आज हम देखेंगे अपटेक ऑफ वाटर जो है उसको हम एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर कहते हैं प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉयल थ्रू द रूट हेयर्स सो वॉट आर द रूट हेयर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मैंने रूट का एक सेक्शन रखा है सो so, आप देख सकते हो ऑलरेडी हम कर चुके हैं सो so, ये रूट का कैप है देन मेरी जोन है और यहाँ पर जो क्या है रूट हेयर जोन है राइट सो एक्चुअली जो है जो एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स चल रहा है दैट इज द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर्स एंड वॉट आर द रूट हेयर्स रूट हेयर्स एक छोटे छोटे थिन वॉल्ड, एक तरह से एक्सटेंशन है रूट एपिडर्मिस के ठीक है सो ये जो रूट का एपिडर्मिस हमने एन में देखा ये जो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है सो इस तरह से एपिडर्मिस की ये एक एक्सटेंशनस है और जिसको हम कहते हैं रूट हेयर्स सो ये थिन वॉल्ड एक्सटेंशन है रूट एपिडर्मिस की और रूट हेयर्स क्या करते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते इंक्रीज uh, कर देते हैं फॉर वाटर एब्जॉर्बशन सो वाटर इज एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद द मिनरल्स बाय द रूट हेयर्स कैसे बाय डिफ्यूजन राइट ओके सो द एरिया जो है विच इज रिच इन द रूट हेयर्स उसको हम क्या कहते हैं रूट हेयर जोन सो यहाँ पर ये एक डायग्राम है आप देख सकते हो ये जो एरिया है दैट इज रूट हेयर जोन ओके स्टूडेंट सो ये हमारा मेन साइट है जहां पर प्लांट्स जो हैं वो वॉटर एब्जॉर्ब करेंगे ओके सो यहां पर मैंने आपको इसको और एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट एक पर्टिकुलर एक टिपिकल मैंने रूट हेयर लिया है सो so, ये जो सेल है ये हमारा क्या है एपीडर्मल सेल है सो दिस इज एपीडर्मल सेल और ये जो है एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन है जिसे हम कहते हैं रूट हेयर सो ये क्या है ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस हैं एपिडर्मल सेल्स के ठीक है सो वॉल जो होती है रूट की वो परमिएबल टू होती है टू द वाटर, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्युलर्स और सेल्यूलोर्स क्या है इट इज़ हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफिलिक क्या होता है वाटर लविंग सब्सटेंस है ठीक है सो वाटर जो है इसके अंदर से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा सेल वॉल हो गया सेल वॉल के अंदर क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है देन ये आपको साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस है सो ईच रूट हेयर जो है वो सिंगल सेल है देन वैक्यूल इज बिल्ड विद द सेल सैप वैक्यूल के अंदर क्या होता है सेल सैप होता है हुज वाटर पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ द सॉयल सोल्यूशन सो ये एक टिपिकल स्टूडेंट्स रूट हेयर है जो कि वाटर एंड और मिनरल्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा राइट अब आपको ये समझ आ गया कि रूट हेयर क्या है ये एक्सटेंशन है रूट एपिडर्मिस के, राइट एंड दे इंक्रीजेज द एरिया दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्सॉर्ब्शन ऑफ द वॉटर एंड वॉटर इज एब्सॉर्ब अलॉन्ग मिनरल सल्यूट बाय द रूट हेयर्स, ओके? नेक्स्ट एब्जॉर्ब्शन ऑफ वाटर पे हम बात करेंगे कि वाटर का क्या पाथवे रहता है वाटर किस तरह से जो है वो एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट ऊपर डिस्कस करने से पहले हम ये डायग्राम स्टडी करेंगे सो so यहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है यहाँ पर आपको एक पाथवे दिखाया गया है कि वाटर जब प्लांट्स वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है रूट के अंदर किस तरह से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि रूट हेयर्स जो हैं वो वाटर को एबजॉर्ब करेंगे आप ये येलो एरोज देख सकते हो तो ये वाटर का मूवमेंट जो है उसका जो पाथ है वो शो कर रहे हैं सो so, ये रूट हेयर से वाटर जो है वो कहाँ जा रहा है एपिडर्मिस में जाएगा हमने रूट का एनेटमी स्टडी करा एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है कॉटेक्स होता है सो वाटर कहाँ मूव कर रहा है कॉटेक्स के अंदर मूव कर रहा है ठीक है उसके बाद कॉटेक्स के बाद एंडोडर्मिस आती है एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल आती है और पेरीसाइकिल के बाद हमारा वॉस्कुलर टिश्यू है दैट इज जाइलम ठीक है जाइलम जो है वो एक कंडक्टिंग टिश्यू है कम्पलेक्स वॉस्कुलर टिश्यू है विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द वॉटर एज वेल एज डायग्राम है कि किस तरह से वॉटर का मूवमेंट होता है इन द रूट सो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट है फ्रॉम द रूट टू दॉम दू दर्टिक्स बिकॉज एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है कॉर्टेक्स होता है और कॉर्टेक्स के बाद वाटर कहाँ जाएगा कॉर्टेक्स के बाद वो जाएगा एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस का भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एंडोडर्मिस में भी स्पेशल पैसेज सेल होते हैं बिकॉज एंडोडर्मिस में हमने पढ़ा था कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं इम्पर्बियस टू वाटर होते हैं वो वाटर को अलाउ नहीं करते अपने पास करना सो so, जो एंडोडर्मिस होते हैं उसके पास स्पेशल पैसिस सेल होते हैं जहाँ पे कि ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो एबसेंट होते हैं तो वहाँ से वाटर जो है वो क्रॉस करता है उसके बाद एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल्स होते हैं ये पेरीसाइकिल दिखाया गया है सो पेरीसाइकिल के बाद वाटर जो है वो कहाँ जाएगा इन टू दायलम सो वॉट इज द मेन हाउ द एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस द सॉयल वाटर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब इन टू द सेल वॉल ओके okay, into the द सेल वॉल लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर मोर बाय द imbibition students स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था इम्बीबिशन में हमने देखा था कैसे वाटर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है और कोई लिक्विड भी कैसे एब्जॉर्ब होता है विदाउट फॉर्मिंग द सॉल्यूशन इंबिबिशन हमने करा तो जो सॉइल के अंदर वाटर मोलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाई द सेल वॉल इन द सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर्स जो रूट हेयर्स का जो प्रोटोप्लास्ट है ऑफ द रूट हेयर्स वो हाइपरटोनिक होता है और जो सोइल वाटर जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है हाइपो क्या होता है जिसका कंसनट्रेशन कम होता है हमने देखा था हाइपरटोनिक टॉनिक और स्मोटिक कन्सेंट्रेशन उसका ज़्यादा होएगा एज कम्पेयर टू द सेल्स है और हाइपो में वो कम होता है तो जो रूट हेयर सेल्स जो होते हैं वो हाइपरटोनिक है और सोयल वाटर जो है वो हाइपोटोनिक है सो so, वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा फ्रॉम द हाइपो टू द हाइपर सो वहाँ से वो मूवमेंट करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप ऑफ द रूट हेयर इज हायर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दॉयल वाटर सो रूट हेयर सेल्स जो हैं उनके पास लेस वाटर है तो उसका टर्गर प्रेशर भी क्या होता है वो कम होता है टर्गर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंड ऑस्मॉसिस एंड ऑस्मोसिस क्या होता है जब सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो उसके सेल के अंदर एक प्रेशर डिवेलप हो जाता है इनसाइड द सेल तो जो कि सेल की जो टर्जिट्री है उसको मेंटेन करता है और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो जब सेल के अंदर वाटर डालता है तो सेल का जो वॉल होता है वो भी एक प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करती है ठीक है जैसे ये सपोज हमारे पास स्टूडेंट सेल है जब सेल के अंदर वाटर जाएगा तो सेल जो है उसका एक उसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं टीपी या टर्गर प्रेशर क्या होता है एंड ऑस्मोसिस के कारण जो प्रेशर डेवलप हो रहा है इनसाइड द सेल और वो प्रेशर कहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है सेल ये ये सपोज हमारा सेल वॉल है सेल वॉल पे जो है वो प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होगा ऑन द सेल वॉल लेकिन जब सेल वॉल उसी समय जो सेल वॉल है वो भी एक प्रेशर एग्जर्ट करती है जो कि इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है सो so, उसको हम क्या कहते हैं वॉल प्रेशर कहते हैं तो इसी तरह से जो वॉल प्रेशर होता है वो टर्जिट प्रेशर के जब बराबर हो जाता है तो दोबारा से कोई भी वॉटर जो है वो एंटर नहीं करेगा तो उसे हम कहते हैं कि वो इक्वलिब्रिन स्टेट में आ गया राइट सो व्हाट इज टीपी टीपी इज टर्गर प्रेशर टर्गर प्रेशर कब डेवलप होगा इट डेवलप्स इनसाइड द सेल ऑन द सेल वॉल व्हेन द वाटर एंटर्स व्हेन एंड ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस और जो जो प्रेशर जो है सेल वॉल एग्जर्ट करती है वो भी इक्वल है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज नोन एज वॉल प्रेशर राइट सो so, इसमें हमारे पास क्या है जो एज द रूट हेयर सेल्स दे कंटेन लेस वाटर सो दे हैव लेस टर्गर प्रेशर सो जब टर्गर प्रेशर कम है उससे क्या होता है सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है और वाटर जो है वो फ्लो करना रूट के अंदर शुरू कर देते हैं नेक्स्ट मकैनिज ऑफ रूट एब्जॉर्ब्शन स्टूडेंट्स जो रूट जो वाटर एबजॉर्ब करते हैं देर आर टू मकैनिज्म वन इज पैसिव एबजॉप्शन एंड सेकेंड इज एक्टिव एबजॉप्शन सो वी विल डिस्कस बोथ द मैथड्स वन बाई वन एक पहले है एक पैसिव है पैसिव जो होता है जैसे हमने डिफ्यूजन पढ़ा कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा और इसमें जो रूट हेयर्स जो हैं दे हैव इनडायरेक्ट रोल इसमें जो ट्रांसपीरेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ठीक है फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है ट्रांसपीरेशन पुल व्हाट इज ट्रांसपीरेशन ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है जो प्लांट में से जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ठीक है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन तो जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा हम समर्स में देखते हैं कि जितना बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है ट्रांसपीरेशन का रेट ज़्यादा है ज़्यादा वाटर जो है वो लॉस हो रहा है प्लांट में से तो उतना ही प्लांट का जो इंटेक हो जाती है वाटर की या वाटर की जो एब्जॉपशन है उतना ही ज़्यादा होता है ठीक है सो इसमें जो फोर्स ऑफ एबजॉर्प्शन है वो क्या है ट्रांसपीरेशन पुल है सो फिजिकल प्रोसेस हैं जैसे डिफ्यूजन है एम्बीबिशन है स्टूडेंट जो पैसिव एब्जॉर््पन है इसमें एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक है सो रूट हेयर्स हैज नो रोल इन एब्जॉर्प्शन ट्रांसपीरेशन इंक्रीजिज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सेल सैफ एंड द डी पी डी स्टूडेंट्स वॉट इज डी पी डी डी पी में डी पी डी क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जो जब जो डिफ्यूज़न जब होता है तो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसको हम डिफ्यूज़न प्रेशर कहते हैं और डिफ्यूजन प्रेशर जो हमारा प्योर सोलवेंट है ठीक है जो प्योर सोलवेंट होता है उसका जो डिफ्यूज़न प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है पर जब हम सोलवेंट के अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका डिफ्यूज़न प्रेशर जो है वो कम हो जाता है ठीक है सो जो डिफ्यूजन प्रेशर जो है उसको हम कहते हैं डी पी डी डी पी डी होती है डिफ्यूज़न प्रेस प्रेशर डेफिशिट ठीक है यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो आपका प्योर सॉल्वेंट होता है प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है लेकिन जब हम किसी भी सॉल्वेंट में जब हम कोई सोल्यूट डिजोल्व कर देते हैं तो उसका डिफ्यूज़न प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है लो हो जाता है ठीक है और उसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट हो गया दैट इज नोन एज डी ठीक है तो स्टूडेंट्स जो सेल टू सेल मूवमेंट है वाटर की वो किस पे डिपेंड करती है वो डीपीडी पे डिपेंड करती है ठीक है so, सो जैसे हमारे पास दो स्पेल सपोज वी आर हैविंग टू सेल्स जैसे हमारे पास एक ये सेल ए है ये एक सेल है बी सेल है ठीक है अगर इन दोनों सेल जो है अगर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है बट अगर इनका डी जो है वो डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज जो बी सेल है उसका डी जो है वो ज़्यादा है और ए सेल जो है उसका डी जो है वो कम है तो उसमें क्या होगा वाटर कैसे मूव करेगा वाटर मूव करेगा फ्रॉम लो टू हाई यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट ज़्यादा है सो so, इस ए से बी जो है वो वाटर का मूवमेंट होगा सो सेल टू सेल जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो किस पे डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा डी पी डी के ऊपर इट नॉट ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर और द टर्गर प्रेशर ठीक है सो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर हमारे पास सपोज दो सेल हैं ए एंड बी उनका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है बट उनका डीपीडी अगर देखते हैं अगर सपोज बी सेल का डीपीडी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए सेल सो वाटर मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी राइट right? सो so, उसमें जब वाटर मूव करता है एज अ रिजल्ट फ्रॉम जाइलम वेसल वाटर मूव करेगा इनटू द मिजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ सो वाटर जाइलम जो वेसल्स में होता है वो एक कॉलम की तरह होता है जब जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन होती है पुलिंग अप होती है वाटर की इन द जाइलम कॉलम तो वाटर जो है उसमें मूव करेगा ओके सो दिस इज पैसिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती सो so, यहां पर जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो ट्रांसपीरेशनल पुल के कारण होता है सो so, ट्रांसपीरेशन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़

द वन इज नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे एंड सेकेंड इज नोन एज सिम प्लास्ट ठीक है तो स्टूडेंट्स एक और पाथवे भी होता है जिसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं बट एनसीईआरटी में हमें दो ही पाथवे एक्सप्लेन किया गया है एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट ठीक है सो मैं आपको दो ही पाथवे कराऊंगी सो फर्स्ट है एपोप्लास्ट एंड सेकेंड है सिम सो लेट सी दिस डायग्राम एपोप्लास्ट में क्या होते हैं एपोप्लास्ट में एक वो पाथवे है जब वाटर मूव करेगा एक्सक्लूसिवली थ्रू द सेल वॉल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन स्टूडेंट हमने देखा कि सेल वॉल है सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल साइटोप्लाज्म है लेकिन जो एपोप्लास्ट है यहाँ पर आपको दो कलर्स एक ग्रीन है और एक आपको ये रेड दिख रहा है तो ये जो रेड आपको मूवमेंट दिख रही है स्टूडेंट ये एपोप्लास्ट है देखो जो वाटर कैसे मूव कर रहा है वाटर एक्सक्लूसिवली बाहर बाहर सेल वॉल से जा रहा है सो तो ये जो मूवमेंट आप देख सकते हो इसको हम एपोप्लास्ट कहते हैं सी दिस डाइग्राम सो so, ये जो मूवमेंट है ये एरो जो है रेड एरो या पिंक एरो आपको दिख रहा है ये मूवमेंट क्या है इसको हम एपोप्लास्ट मूवमेंट कहते हैं सो so, इसमें क्या है वाटर मूव कर रहा है थ्रू द सेल वॉल वाटर किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा ठीक है बट अगर जो दूसरी सिम्प्लास्ट मूवमेंट होती है इसमें वाटर मूव करता है फ्रॉम वन सेल टू तो अनदर सेल थ्रू द प्लाजमो डेस्म सो so देख आपको दिख रहा है जैसे सपोज ये हमारा वन एपिडर्मिस का सेल है उसके बाद कॉर्टिक्स आ गया उसके बाद एंडोडर्मिस आ गया उसके बाद पेरिसाइकिल आ गया सो so इसमें वाटर ये जो ग्रीन एरो आपको दिख रहा है ये कौन सी मूवमेंट शो करें सिम प्लास्ट सो so वॉटर कहाँ करे एपिडर्मिस एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट सेल आ गया कॉर्टिक्स तो ये जो पैसेज है जहाँ से वॉटर मूव कर रहे इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है प्लाज्मोडेस्मेटा से वाटर मूव करेगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल सो कॉटेक्स से एंडोडर्मिस में जाएगा एंडोडर्मिस जो है उससे वो पेरीसाइकिल में जाएगा ओके okay? ओके दिस इज वेरी क्लियर डायग्राम स्टूडेंट तो यहां पर आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों पाथवेज जो है वो दिखाए गए हैं सबसे पहले हम एपोप्लास्ट देखेंगे दिस इज रूट हेयर आप ब्लू लाइन देखो सेल जो वाटर जो है उसका आप पैसेज देखो वाटर इज नॉट एंटरिंग इनसाइड द सेल इट इज मूविंग एक्सक्लूसिवली थ्रू द सेल वॉल विदाउट क्रॉसिंग एनी मेमरी पर आप देखो बाहर से जो इंटर सेलुलर स्पेसिस हैं वहां से वॉटर जो है वो मूव कर रहे हैं राइट सो यहाँ पर एंड्रोडरमिस आ गया उसके बाद पेरीसाइकिल में जाएगा उसके बाद जाइलम में जाएगा लेकिन ये जो रेड आप देख रहे हो कि देखो सेल के अंदर से वॉटर जो है उसकी मूवमेंट सेल के अंदर से हो रही है सो वॉटर मूव करेगा एक सेल से दूसरे सेल में थ्रू द प्लाज्मो डेस्मेटस ओके okay? ओके okay. नाउ जो एपोप्लास्ट पाथवे है ड्यूरिंग दिस पाथवे वाटर एंड मिनरल्स जो हैं दे ट्रेवल अलोंग द सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर्स राइट उसके बाद कॉर्टिकल सेल उसके बाद एंडोडर्मिस नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो एंडोडर्मिस है एंडोडर्मिस के पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं ठीक है और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं वो उसके पास एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम सुबिरन कहते हैं सो so, ये वाटर को पास नहीं करने देता ठीक है so, सो वाटर को पास नहीं करने देगा तो वाटर जो है उसने तो आगे पैरिसाइकिल और उसके पास जाइलम के पास जाना है तो वाटर कैसे जाएगा तो वाटर जब आपके एंडोडर्मिस के पास वाटर पहुंचा, देन वाटर एंटर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द एंडोडर्मिस, जबकि ये एपोप्लास्ट पाथवे है उसमें एंटर नहीं करना बट यहाँ पे जब एंडोडर्मिस आएगा तो वाटर जो है वो अंदर एंटर कर जाएगा और वो कौन सी पाथवे फॉलो करेगा सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करेगा एंड अल्टीमेटली इट रीच द जाइलम सो so, आपको दिख रहा है यहां पर यहाँ वाटर जो है वो एपोप्लास्ट आपको रेड पाथवे दिख रही है वाटर यहां से आ रहा है लेकिन जैसे ही एंडोडर्मिस आएगा वो वाटर अंदर चला गया इट फॉलोज द सिम्प्लास्टिक पाथवे और उसके बाद वो जाइलम के पास पहुंच जाएगा राइट right? सो दिस इज़ अनदर डायग्राम ऑफ सिम्प्लास तो आपको क्लियर हो गया तो यहाँ पर ये हमारे प्लाज्मोडेस्मेटा हैं एपिडर्मिस से कॉटिक्स के पास जाएगा ठीक है कॉर्टिक्स से जो है वो एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में जाएगा उसके बाद वो पेरिसाइकिल के पास जाएगा और पेरिसाइकिल के पास क्या है जाइलम है और जाइलम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर को कंडक्ट करेगा ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैसिव एब्जॉर्प्शन सेकेंड जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है और इसमें जो है वो यूज़ ऑफ एनर्जी है एक्टिव प्रोसेस है एनर्जी इज यूज इन दिस केस तो इसमें जो रूट के सेल हैं दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर सो ये दो तरह का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है एक ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉप्शन होता है एक होता है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन सो लेट इस स्टडी देम वन बाय वन ऑस्मोटिक ऑस्मॉटिकब्जॉर्प्शन एंड द नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन सबसे पहले ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन क्या है वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द एक्टिविटी ऑफ द रूट सेल्स ऑस्मोटिक प्रेशर रूट प्रेशर टर्गर प्रेशर एंड डी पी डी आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाटर कैसे मूव करता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है उसमें मूव करेगा रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करेंगे सॉयल वाटर को और जाइलम क्या करेगा पंप द वाटर अपवर्ड अभी मैंने आपको डी बताया था कि सेल टू सेल मूवमेंट जो होती है वो डीपीडी के ऊपर डिपेंड करती है ठीक है सो वाटर का मूवमेंट क्या होगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक जो है वाटर मूव करेगा नेक्स्ट देन जो नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्बन ऑफ द वाटर है इसमें ऑस्मोटिक फोर्सेस एब्जॉर्ब नहीं होते इसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है विद द यूज़ ऑफ एनर्जी एंड वाटर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है फ्रॉम लो टू हाई सो इसमें रेस्पिरेटरी एनर्जी जो है वो यूज होती है और वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो मूव करेंगे तो वो कौन सा पाथवे फॉलो करेंगे सिम प्लास्ट स्टूडेंट so यहाँ पर एक मैंने टेबल लिया है जिसमें आपको मेन डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे कि एक्टिव प्रोसेस जो है वाटर एबजॉप्शन का और पैसिव में मेन डिफरेंसेस क्या है एक्टिव जो है इटक ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स और ये क्या है शूट एंड लीव्स है इसमें जो है एब्जॉर््पन ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक प्रेशर हेयर उसमें यह ट्रांसपीरेशनल पुल है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द डीपीटी एंड हेयर इट डिपेंड्स अपॉन दैट ट्रांसपीरेशन एक्टिव जो है वो सिम्पलास्टिक पाथवे शो करता है और पैसिव जो है इट शोज द एपोपलास्टिक पाथवे ओके नाउ देर आर सम फैक्टर्स स्टूडेंट्स विच एफेक्ट द वॉटर एबजॉर््पन कुछ इंटरनल फैक्टर्स है एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो देर आर सम इंटरनल फैक्टर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपीरेशन रेट ऑफ एबजॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इफ द ट्रांसपीरेशन इज मोर रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो मोर बिकॉज जितना वाटर का लॉस होगा उतना ही जो है वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा प्लांट को राइट सो रेट ऑफ एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन सो हाई रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन अगर हाई रेट है तो वाटर एब्जॉर्बशन जो है वो भी हाई होगा सो ट्रांसपीरेशन जो है वो क्रिएट करती है एक फेवरेबल कंडीशन फॉर द एंट्रेंस ऑफ दॉटर इन द रूट देन रूट हेयर्स एफिशिएंसी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी डिपेंड करती है रूट हेयर्स मैंने आपको आपको एक्सप्लेन किया सो प्रेजेंस ऑफ जितने ज्यादा रूट्स हेयर्स होंगे उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का राइट नेक्स्ट देन देर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो लाइक अवेलेबल सॉयल वाटर ड्राई सॉयल डिक्रीजेज द रेट ऑफ एबजॉर््पन ऑफ वाटर मॉइस सॉयल होगी जिसमें वाटर होगा ऑब्वियसली उसमें एबजॉर्प्शन वो फास्ट होगा ड्राई सॉयल रेट ऑफ एबजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा दैन सॉयल टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अम्पॉर्टेंट रोल मैक्सिमम एब्जॉर््शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेल्सियस सॉयल एरेशन जो है वह ऑक्सीजन दैट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर दाटर एबजॉर्प्शन बाय द रूट्स Okay, students. So these are internal and external factors which are affecting the absorption of the water. Okay. So that's all, students. Thank you very much for watching today's lecture, student. Today's lecture was very interesting. We studied different pathways: study kiya, apoplast and symplast pathway, and then active and the passive ways how the water is absorbed and why water is essential for the plant. So I hope this lecture is clear to you. Thanks for watching. Have a nice day.